शुरुआत इस फिटनेस इंडस्ट्री दे विच किवें हुई, किवें एक चिणग लगी भी चल यार भी हुण मना एक्सरसाइज करन लग जांदे? कोई बंदा कोई टोक देवे तुहानूं या तुहाडा पेट तरां वध गया जां कुछ भी किसे तरां दी भी कोई गल कह देवे ते बंदे नूं चुप जांदी कदी ना कदी। बस किसे ने कही, मैं ज्यादा लंबी कहानी ते नहीं जावांगा, किसे ने कही ते अपने मन च धार ली भी इह जिहड़ी गल है इह खतम करनी। दौड़े तो खूब दौड़े, ऐसे दौड़े के उस मैराथन भाग लेना शुरू किया। बाद दो गोल्ड मैडल ले, एक सिल्वर मैडल लिया, चार ब्रोंज मैडल जीते। साढ़े पंजाब दुध घ्यों मक्खन खाते सब ज़्यादा खाधा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट का पेशेंट भी पंजाब ही पाया जाता है। उसके पिछले रीज़न यही है कि असं एक्सरसाइज तो हम करते नहीं, कुछ बैठे बैठे ढिड बधाई जाने, तो जो खाना हजम नहीं होगा तो फिर हार्ट के उत्ते ही प्रेशर आएगा। जरूर पूछूंगा भी जिवें विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने भी तुहाडी जिहड़ी वीडियो शेयर कीती सी, आपां देखिया सीगा भी उहनां तक वीडियो पहुंची किवें? मीडिया सोशल मीडिया च लोकी इनवॉल्व तो है ही नहीं, कितने कितने कोई ना कोई, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती चीज़ा तो लोगों तक पहुँचदियाँ। जदों इत्थे कदी मैच IPL दे होए जां दूजे कदी आए तो मेरी पूरी इच्छा कि असीं दोनों रल के एक बार एक्सरसाइज लावांगे। सब तो वधिया जीण दा जज्बा दुबारा पैदा करन दी लोड़ पैंदी है लोकां नूं। जो अभी कहते हैं आप रिटायर हो गए, थक गए, हूँ की करना है, कुछ नहीं बचे, उदो बिल्कुल असल में वो जिंदगी का बड़ा खूबसूरत पल हों। जो तुम फ्री हो गए होंगे तो अपने लिए जी सकते हो, आप टाइम ही टाइम है। मोस्टली जी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी या दिमाग नैगेटिव सोचता है तो या पेट खराब होंगे, तो 80% 90% बीमारियां लाइफ स्टाइल ना ही होंगे। बिल्कुल वो लाइफ स्टाइल अगर चेंज कर देंगे तो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वो टाइम तुम्हें दसा सके एक रिकॉर्ड भी बनया हुआ पुशअप का। हाँ जी, मैं चाहना दर्शकों भी दस दो क्योंकि अज्ज के नौजवान हाँ, जो मैं अपनी भी गल करा तो शायद मेरे तो भी जो रिकॉर्ड ना टुटे, पर तृप्त सिंह जी ने उस एज के रिकॉर्ड बनाया कि मैं लगता है शायद उस एज का कोई बंदा शायद तोड़ सके। मेरी एज का करेगा तो मैं अजे भी उम्मीद करता कि नहीं होगा। वो मेरे 584 पुशअप से और डेडवर बर्पी पुशअप जो टफ पुशअप गिने जाते हैं, अभी भी अभी 100-200 पुशअप तो लगाते ही रहने इस रूटीन। बाकी दे कम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। बड़ा खूब ते बड़ा बाकमाल कहा किसी ने। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह बल पंजाब न्यूज़ से तुहाडा स्वागत करदा। उम्मीद करदा तुसीं ठीक ठाक होवोगे। जिवें मैं कि स्टार्टिंग दे विच गल कीती कि बाकी दे कम बाद च, पहला सेहत जरूरी है, सेहत नूं प्रायोरिटी देनी बहुत जरूरी है। पर अजकल अपनी बिजी स्कैड्यूल दे विच किते ना किते निजी जिंदगी दे विच इन्ना क रुझ गए, इन्ना क बिजी हो चुका है बंदा कि एक्सरसाइज़ वास्ते किते ना किते टाइम जिहड़ा आ उह घट कढ़दा आ। फिर भी कुछ लोग ऐसे होंदे ने जिंदगी दे विच, ऐसी वीडियोज़ कई बार सोशल मीडिया ते सामने आ जांदे ने जिन्हां नूं देख के एक बहुत वड्डी प्रेरणा मिलती है कि भाई चलो आपां वी जिहड़ा एक्सरसाइजिस करदे आ दुबारा तो ये रूटीन जिहड़ी है हैल्दी लाइफ दी जिहड़ी शुरू करदे आ। अज तुहाडे नाल मुलाकात मैं एक ऐसे मुछ फुट गभरू की कराऊंगा। मुछ फुट गभरू मैं इस करके कह रहा क्योंकि जब तुसीं उहनां नाल मिलोगे, वीडियो देखोगे, तुसीं दुबारा इस सारी चीज़ां जिहड़ियां ने दुबारा सुनोगे। मुछ फुट गभरू नाल मिलाऊंगा क्योंकि उन्हां दे कीते हुए जिहड़े कारनामे ने इस उम्र दे विच उन्होंने एक ऐसा मैं कहना भी एक प्लेटफॉर्म सैट करता कि उन्होंने वेख के अज एक पार्क दे विच खड़े आ ते इस पार्क दे विच उन्होंने वेख के जिहड़ा है एक बहुत वड्डा यूथ उन्हां दी एज दे जिहड़े बंदे ने ओह भी जिहड़े ने एक्सरसाइजिस करन लगे ने। मैं गल कर रहा जी 76 साल त्रिपत सिंह दी, मेरे नाल ने आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। अज भी 76 साल दे हो गए पर अज भी दब के जिम लाउंदे ने, दब के एक्सरसाइज करते हैं, की राज है उन्हां दी सेहत दा? बिल्कुल हटे कटे पए ने मेरे नाल ने। सब तो पहला त्रिपत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक हो? कोरोना दा टाइम चल रहा, हाल चाल पुछना वाजिब जी गल? बिल्कुल ठीक है, ठीक हो, प्रभु की बड़ी कृपा है। क्या बात है, शुरुआत करते हैं भाजी। सब तो पहला सवाल मन दे विच ना यही होंदा भी जिहड़े हुण दर्शक भी सानूं देख रहे होणगे उन्हां दे मन दे विच भी सवाल यह होगा भी त्रिपत सिंह, मैं मुछ फुट गभरू की गल की, यह उही मुछ फुट गभरू है जिहदी मैं शुरुआत दे विच गल की सी। त्रिपत सिंह तो एक ना एक आइडिया लग जाता है, वीडियोज़ पहला भी बड़ी वायरल हुई सी तुहाडियां, हुण भी वायरल हुंदियां ने, अक्सर हुंदियां रहिंदियां ने। शुरुआत इस फिटनेस इंडस्ट्री दे विच किवें हुई, किवें एक चिणग लगी भी चल यार भी हुण मना एक्सरसाइज करन लग जांदे? जदों जी बंदा सब कुछ वेला हो जांदा है, फैमिली जिम्मेवारियां मुक गईयां, पर फिर भी किते ना किते कोई तरंग सी, कोई बंदा कोई टोक देवे तुहानूं या तुहाडा पेट तरां वध गया जां कुछ भी किसे तरां दी भी कोई गल कह देवे ते बंदे नूं चुप जांदी कदी ना कदी।
बस किसी ने कही, मैं ज़्यादा लंबी कहानी तो नहीं जाऊँगा, किसी ने कही तो अपने मन च धार ली भी जी गल है ये खत्म करनी है। अच्छा किसी ने यह कहता भी त्रिपत सिंह तुहाड़ी गुगड़वार आ गई है, गुगड़वार गुगड़वार आ गई। तो मैं क्या कोई नहीं गुगड़ फुने अंदर करांगे। अच्छा तो बस अगले दिन दो टी शर्ट ते टी निकर खरीदियां ते मैदान ते दौड़ना शुरू करता है। इतों शुरुआत हुई, फिर दौड़े तो खूब दौड़े, ऐसे दौड़े के उस मैराथन भाग लेना शुरू किया। बाद दो गोल्ड मैडल ले, एक सिल्वर मैडल लिया, चार ब्रोंज मैडल जीते। और ऑलमोस्ट इंडिया के जो मेजर ईवेंट्स होंगे है शिमला च वर्गा टफेस्ट ट्रैक गिणा जाता है, उसे भी मैं गोल्ड मैडल जीत के आया थी। तो खड़न का मजा आना शुरू होया, पर एक प्रॉब्लम रह गई भी बॉडी कैटाबॉलिक चली गई, ज़्यादा पतली हो गई, लेकिन ढिड जोड़ा सी ज़्यादा दिखा लग पाया उल्टा। अच्छा तो मैं फिर नजर आया कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए है, तो मैं जिम ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। फिर वो जिम मैं अच्छा 7-8 साल हो गए जिम लगातार चल ही रहा है। अच्छा कुल मतलब कि जब भी थोड़ा टोंट मारी किसी ने भी गोगड़वार आ गई थे पर सिंह दी उस तो बाद मतलब कि मैं कह सकता भी तकरीबन 8 साल हो गए भी तुहानू ये मतलब कि हुण तुसीं शुरू करता। देखो हो गई 7-8 साल हो गए। अच्छा डाइट प्लान की है, क्योंकि अक्सर काफ़ी जेहड़े अजकल यूथ है ना डाइट बहुत फॉलो करता, डाइट मेन मनी जाती है, 80% डाइट 30% कहते वर्कआउट होंगे आ। हुण थोड़ी डाइट की है, पहली गल तो भी जिस हिसाब का तुम शरीर बनाया होया आ इस उम्र के बा कमाल है, मेरे तो भी सोहना शरीर है, पर तुसी मैं थोड़ा डाइट जरूर पूछूंगा भी डाइट प्लान की है। मेरी डाइट बिल्कुल सिंपल है, प्योर वैजीटेरियन है, शाकाहारी मतलब ईवन मैं दुध पनीर इन्हों तो भी इन्हों भी पिछे छड़ दें। ये बिल्कुल नहीं होंगे कि विघन लोग घबराते भी बिल्कुल बंद करना खावे की या कि कितने एमरजेंसी होए, कितने विआह शादी गए तो तुम उत्थे थोड़ा टच कर लो, तो इन्नी मतलब वेगनिजम वैसे क्या भी आप जिन्ना इस तो बच सकते उस तो बचना चाहिए। साढ़े पंजाब दुध घ्यो मक्खन खाते सब से ज़्यादा खाधा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट का पेशेंट भी पंजाब ही पाया जाता है। उस पिछले रीजन यही है कि असं एक्सरसाइज तो हम करते नहीं, कुछ बैठे बैठे ढिड बधाई जाने, तो जो खाना हजम नहीं होगा तो फिर हार्ट के उत्ते ही प्रैशर आएगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम भी ज़्यादा बढ़ी है। तो वीगन डाइट में कोई ऐसा एलीमेंट नहीं होंगे जो थोड़े बॉडी को एनर्जी ना दे और हार्ट के उत्ते प्रैशर पाए, तुम्हें ब्लड बीपी है फलाना है सारी चीज़ें जो अपने आप ही 15-20 महीने के बाद तुम लगता है कि सारी चीज़ों तो तुम बाहर रखे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज नाल डाइट का प्लान। वैजीटेरियन डाइट होए पहले तो अगर दुध वगैरह छड़ सकते तो उस तो वधिया कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो वैजीटेरियन च आ जाओ एटलीस्ट, उस बाद अगला स्टैप चक्के नैक्सट से आ सकते। अच्छा परिवार के त्रिप सिंह जी कौन कौन है तुहाडे? मेरे दो बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोती हैं, पूरा है। वो भी फिर इस इंडस्ट्री के है जिम लगाते हैं एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं कि तुम अगले? बस रोना यही है कि अज की जनरेशन में समझाना बड़ा औखा है, क्योंकि उन्होंने लगता है कि बड़ी टफ लगता है, शायद असल में ये टफ नहीं होंगे, बंदा अपनी लाइफ में टफ कर लेता है ये थोड़ी जी मेहनत करने तो बचने के लिए। बाद असं सारी जिंदगी दुखी रहने, गोडिया के दर्द है, पिठ का दर्द है, फलाना है जी, अच्छ चलिया नहीं जाता है, बीपी बढ़ गया है, हार्ट के पेशेंट है, अच्छ स्टंट मार का गया था डॉक्टर ने खड़े पैर दौड़ते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा इकट्ठे करता है, बाद जाके हस्पताल जाके जमा करा देते हैं। उन्होंने तो मेहनत तो अपने परिवार लिए नहीं की, बेसिकली उन्होंने की, इसलिए अपने प्रति ईमानदार होना, अपने प्रति जिम्मेवार होना, अपने प्रति शरीर के प्रति अणख रखना, शरीर के प्रति पूरा ध्यान रखना, ये भी साड़ी अपनी जिम्मेदारी है, कोई होर नहीं कर सकता। अच्छा पोते पोतियां भी ने परिवार दे विच, वह भी फिर थोड़ा देख कितने ना कितने करते होंगे फॉलो भी दादा जी कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। छोटा बेटा थोड़ा बहुत करता है, पोता थोड़ा करता है, टाइम मतलब अज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है, एक तो खाना पीना डिस्टर्ब है, सब जंक फूड के लगे हैं, कोल्ड ड्रिंकों के लगे हैं, जिन्ना जिन्ना बर्बाद कर सकते अपने कर रहे हैं। असी कार दे भी पेट्रोल भी वही थान से मिट्टी तेल नहीं पाते भी गड्डी खराब हो जाए, कि तुम एड्डी वड्डी कार च 2 चम्मच पानी पा दो फिर देखो चला के चलती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि परेशान करेगी, इन्ने की फर्क पैंता है। खाने लगे असं कहने इन्ना क्या खाधा की फर्क पै, बेसिकली साढ़े शरीर में जो एलीमेंट साढ़े शरीर जो मंगता है जो उन्होंने चाहिए उसी थान से असी इनू कचरा बनाता, कचरा डब्बी बनाता, जो मर्जी पाई जाओ तो बाद बर्बाद हो रहे अपने। अच्छा त्रिपत सिंह जी भी एक सवाल जरूर पूछूंगा भी जिमें विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने भी थोड़ी जी वीडियो शेयर की आप देखा भी उन्होंने तक वीडियो पहुंची किमें, जब तुम एक वीडियो पोस्ट की उस तो बाद मैं लगता उबाल ही आ गया, सलाब ही आ गया भी इन्ने मैसेजेस इन्ने इन्ने फॉलोअर इंडियन आइडल भी चले गए थे। देखो जी परमात्मा पता भी किमें जाता है,
क्योंकि मीडिया सोशल मीडिया लोग इनवॉल्व तो है ही नहीं कितने ना कितने कोई ना कोई क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती चीज़ा तो लोगों तक पहुँच दी तो उन्होंने तक भी पहुंची तो पहुंची तो उन्होंने मेरी इवेंट अच्छे लगे दो तीन किते उन्होंने दो पोस्टा शेयर कीतियाँ वाइफ ने भी शेयर कीतियाँ उस बाद फिर सिलसिला चल पाया। कोई गलबात हुई सी जब उन्होंने शेयर की सी विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा? नहीं मैं नहीं कहूँगा गलबात क्योंकि टाइम तो उन्होंने को भी इन्ना की है तो असं भी उन्ना के टाइम दे पाने हैं। हाँ जदों कभी पंजाब हम क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है अभी तो हो नहीं रहा कुछ भी जदों इतने कभी मैच IPL के हुए या दूजे कभी आए तो मेरी पूरी इच्छा कि अभी दोनों रल के एक बार एक्सरसाइज लवेंगे इकट्ठे। क्या बात है क्या बात है। अच्छा उस तो बाद जिवें तुसीं जिक्र भी किया कि इंडियन आइडल के भी हूँ मैं दर्शकों भी दस देव कि त्रिपत सिंह जी 76 ईयर ओल्ड मैन इंडियन आइडल के भी जा चुके हैं। मैं चाहना भी वो बड़ा क्रिस्पी आप ऑफ द रिकॉर्ड गल कर रहे थे वो चीज़ भी तुम दर्शकों जरूर साझी करो भी किवें सबब बनया भी भाई इंडियन आइडल के एक सरदार गया। देखो जी ये करिश्मा ही कह सकता मैं साढ़ा एक वीडियो बड़ा वायरल होया शायद वो वीडियो उन्होंने नज़र गुजरिया क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम से मेरा सेम जो नाम मेरा है जो लिखा आता क्योंकि उस नाम से मेरा अकाउंट है या तो उन्होंने अकाउंट देखे है वो मेरे फोन नंबर हमेशा लिखे रहेंगे तुम्हें भी शायद फोन उतो देख के मैंने कॉल की है वो फोन तो उन्होंने 4 तरीक इतने 4 जून पिछले महीने अच्छा हम जुलाई की 2 तरीक हुई अज तो वो 4 तरीक उन्होंने मिस कॉल रात एक्चुअली मैं सोन लग्या फोन स्विच ऑफ कर देना ताकि नींद डिस्टर्ब ना करे कोई तो सवेरे मैं उठाया तो 9-10 मिस कॉल एको नंबर तो। अच्छा तो मैं सोचा भी शायद कोई एमरजेंसी केस हो सकता कोई घर का ही कोई जो नंबर सेव नहीं किया एमरजेंसी हो सकती मैं कॉल बैक किया कॉल बैक तो मैं एकदम रिपोर्ट मिली कि यार थैंक गॉड भी तुम फोन चुकया मैं इंडियन आइडल तो बोल रही हाँ तो मैं मेरे लिए बड़ी अजीब जी गल सी क्योंकि अजकल बड़े झूठ प्रचार बड़े चलते मैं KBC तो बोल रहा लोगों पैसे ठगण के भांडे बनाए हुए तो मैं क्या कोई इदा का ही होना कॉल तो मैं क्या हाँ जी बोलो तो कहते तुसी 7 तरीक शूट है दमन के इंडियन आइडल का क्योंकि बॉम्बे अजकल शूटिंग बंद की है गवर्नमेंट ने बैन की है लॉकडाउन करके तो उत्थे सैट लगे हुए हैं सारे के। अच्छा तो तुम उत्थे पहुँच सकते हो मैं आ जाऊंगा जी कोई गल नहीं कहते फिर इदा तुम करोना टेस्ट करा लो करोना टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जाती है और रिपोर्ट की मैंने कॉपी भेज देना तो मैं थोड़ी टिकट बुक करा देंगी थोड़ा खाना रहना सब साड़ी जिम्मेदारी होगी मगर ठीक है जी और मैं ज़्यादा इनू सीरियसली लिया नहीं क्योंकि मैं लगता थी भी स्कूप ही हो सकता है तो मैं ठीक है जी कर लाँगा मैं तो उन्होंने मैंने पूछा तुम वर्कआउट किन्ने बजे जाते हो लगा मैं जिम तो अजकल बंद ने तो असं पार्क वर्कआउट लाने सवेरे 6 to 8 कहते कोई नहीं साड़ी टीम सवेरे 6 बजे पहुँच जाएगी उत्थे शूट कर लेगी तो मैं जिम्मे थोड़े को करोना की रिपोर्ट आया थानू भेज देना टिकट बुक करा दें मैं ठीक है गल करके फोन बंद करता तो मैं करोना टेस्ट करवाया तो करोना टेस्ट की रिपोर्ट जी है सवेरे आनी थी उन्होंने दसिया पर सवेरे जब मैं 6 बजे इतने पार्क आया तो मेरे तो पहला उन्होंने टीम इतने पूरा अपना ताम जाम लैके आई हुई थी और वो शूट किया गया पूरा पब्लिकली बड़ा असं भी बड़ा इंजॉय किया मेरे साथी जो एक्सरसाइज लाते इतने उन्होंने भी इंजॉय किया इवेंट नो पूरे ड्रोन वगैरह लगे पूरे पूरा प्रोफेशनल सेटअप से उन्होंने सारा इट वॉज ए वेरी बिग चैनल वो सेटअप उन्होंने बनाया लिया उसके बाद मेरे घर चले गए उत्थे मेरे मैडल के नाल उन्होंने फोटो फोटो ली है उत्थे दो चार गलबात हुई ये करके अजय गलबात ही कर रहा मैं रिपोर्ट आ गई उन्होंने मैसेज आ गया भी करोना की रिपोर्ट आ गई है नैगेटिव है मैं उन्होंने बैठे बैठे ही उन्होंने रिपोर्ट भेज दी खैर वो तो चले गए घंटे बाद मेरी टिकट बोर्डिंग पास समेत उन्होंने भेज दी बस जी और मैं सोच रहा था कि ईवेंट है 5 जुलाई में मेरी गल हो रही है तो 7 जुलाई की होनी है तो 6 तरीक में सवेरे मेरे को शूट करना आए है तो पता लगा जी 7 तरीक में कल सवेरे कल ही दोपहर में जी है 12:30 बजे मैं पहुँचना पेगा 2:30 बजे की फ्लाइट है मतलब 6 तरीक नहीं पता 6 तरीक मैं किया 6 तरीक 2 घंटे बाद ही मैं एयरपोर्ट जाना पै गया और फ्लाइट पकड़ी पहुँच गए बॉम्बे तो अगे लैके मैं दमन तो 7 तरीक सवेरे शूट से डेट वाज बहुत जल्दी सिस्टम से और इन्ना बड़ा सेटअप से मेरे लिए भी बड़ा हैरानगी वाला सी बहुत प्राउड मोमेंट सी मैं लगता एक पंजाबी वास्ते भी एक सरदार जी एक दस्तार धार के बंदा जिहड़ा आ एक एडे वड्डे प्लेटफॉर्म ते गया ते एडा वड्डा रुतबा बना के आया एक सवाल मेरे मन दे विच जरूर आऊगा
ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 76 ਈਅਰਸ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 76 ਐਂਡ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਣ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਏ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 250 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜ ਸਕੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਗੋ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ 584 ਪੁਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਡੈਡ ਵਰ ਬਰਪੀ ਪੁਸ਼ਪ, ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਪੁਸ਼ਪ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 100-200 ਪੁਸ਼ਪ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਰੂਟੀਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾ ਦੀ, ਜੇ 500-550 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਂਟ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੋਗੜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 8 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ, ਉਹੀ ਓ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੋਗੜ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਇੰਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਇੰਡ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਖਾਲੀ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟਣੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੈਗਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 80%
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੀ ਪੀ ਵਧਿਆ, ਬੀ ਪੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ 90% 70% ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ 70-90% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਲਕੀ ਗਰੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਪੁੱਠਾ ਟਕਰ ਜਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਰੀ ਕਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ 400-500-2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਟਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀ ਪੀ ਉਹ ਕਰਕਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਆਵਰ ਬਾਡੀ। ਆਪਾਂ ਬੀ ਪੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਮਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਿ 76 ਈਅਰ ਓਲਡ 76 ਐਂਡ ਹਾਫ ਹੁਣ ਤਾਂ 77 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 76 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਰਾਥੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਰੈਸਲਿੰਗ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਨੈਸ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜੋਗਿੰਗ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼।